वेलकम बैक। देखिए, लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए डोमेन्स, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड पॉइंट एट इन्फिनिटी का डिफिनेशन देखा है, राइट। आज हम लोग इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जैसे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि दो तरह का प्लेन हम ले सकते हैं ना, एक जेड प्लेन और एक डब्लू प्लेन, ठीक है। अगर कोई दो रियल चूज़ किया जाए, एक्स और वाई, तो इन दोनों के साथ में हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई, इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इस एक्स प्लस आयोटा वाई को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो एक तरफ रियल एक्सिस और एक तरफ इमेजिनरी एक्सिस लेकर के, रियल एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो एक्स होगा, ठीक है, और जो इमेजिनरी एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो वाई होता है, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, राइट। इसके करस्पोंडिंग में अगर आपके पास में जेड इज इक्वल टू एक्स वाई है, तो फिर इसका कंजुगेट एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। इसके करस्पोंडिंग में जब हम डब्लू प्लेन की बात करते हैं, तो डब्लू प्लेन में हमको डिफाइन होता है डब्लू इज इक्वल टू एफ जेड, यानी उस जेड के करस्पोंडिंग में एक फंक्शन मिलता है हमको, जिसको हम लोग डब्लू बोलते हैं, और वो फर्दर हम लोग यू प्लस आयोटा भी के फॉर्म में लेते हैं, जहाँ यू और वाई, यू और भी वही एक्स और वाई का फंक्शन होता है, ठीक है। इतना आप लोग पहले जानते हो, ओके, राइट। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने इस फंक्शन के लिए जो डोमेन्स थे, जो डोमेन हम ले सकते हैं, वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। लिमिट हम लोगों ने देख लिया, कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इसका डिफिनेशन हम लोगों ने देख लिया, राइट। तो अब हम लोग जो डिफरेंशिएबिलिटी है, जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फंक्शन दैट मीन्स एफ टेस्ट जेड, इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये कब एग्जिस्ट करेगा, कब ये डिफरेंशिएबल कहलाएगा, राइट। बट इसका जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो थोड़ा वाइडली डिफाइन होता है, ओके, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स मेरा फंक्शन है वो रियल फंक्शन से थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो वाइडली डिफाइन होगा, इसलिए इसका एक अलग से हम लोग नेम देखेंगे, और वो नाम क्या होगा, वो नाम होगा एनालिटिक, ठीक है। तो हम लोग एनालिटिक फंक्शन अगर बोलते हैं, तो इसका मतलब हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी पर डिस्कशन कर रहे हैं, बट उसको डिफरेंशिएबिलिटी अब हम कहेंगे नहीं, डिफरेंशिएबल इस मीनिंग में आप कह सकते हैं कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव को हम लोग एनालिटिक बोलेंगे, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एनालिटिक बोलेंगे, और इसका अब हम लोग डेफिनेशन और इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स वगैरह हैं वो देखेंगे, और यहाँ से आपका जो इम्पॉर्टेंट कंटेंट है वो कंटिन्यू चलेगा। हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं सीएसआईआर नेट गेट एग्जाम के लिए, तो आप यहाँ से अच्छे से देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन नंबर वन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन नंबर वन क्या है एनालिटिक फंक्शन के लिए, ए फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक इन रीजन आर, ठीक है, किसी रीजन आर में ये आपका एनालिटिक कहलाएगा, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन इफ़ एफ जेड हैज़ डेरीवेटिव एट इच पॉइंट ऑफ आर एंड इफ एफ जेड इज सिंगल वैल्यू, ठीक है। तो क्या होगा, आर के हर पॉइंट पर क्या होना चाहिए, ये इसका डेरीवेटिव मिलना चाहिए, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है, ओके। अगर एफ जेड क्या है, आपका सिंगल वैल्यूड है, याद रखिएगा कि अगर सिंगल वैल्यूड नहीं होगा एफ जेड, तो ऐसे ही वो डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, ओके। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये बात करूँ w इक्वल टू ले लूँ मैं एफ जेड, ठीक है, सो ए फंक्शन w इक्वल टू एफ जेड इज़ एनालिटिक, ठीक है। इसका मतलब ये होगा, इट मीन्स एफ डैश जेड एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट यूनिकली, ये यूनिकली एग्जिस्ट करना चाहिए, ओके, यूनिकली फॉर ईच पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट इन आर, ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर मैं जेड इक्वल टू जेड नॉट लेता हूँ आर्बिट्रेरी पॉइंट आर में, तो उस पर क्या होना चाहिए, एफ डैश जेड एग्जिस्ट करना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये होगा, दैट इज एफ डैश जेड का मतलब ये होगा डी डब्ल्यू बाई डी जेड, ठीक है, डेरिवेटिव। इसको अगर मैं और लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट के फॉर्म में, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, ओके,
इट इज़ एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बाई डेल्टा जेड। ओके, तो ये आपका क्या होना चाहिए, ये आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए जेड नॉट पे, एंड इज यूनिक एट जेड नॉट, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन ऊपर में लिखा हुआ है तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कि एफ डैश जेड मेरा एग्जिस्ट करना चाहिए यूनिकली फॉर ईच पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट इन द रीजन आर, ठीक है। यानी ये जो पूरा वैल्यू है ये एग्जिस्ट होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यूनिक का मतलब वही होगा कि भाई, मतलब कैसा नहीं कि अलग अलग पाथ से अलग अलग वैल्यू इसका मिलने लगे, पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। ओके, दूसरा डेफिनेशन अगर मैं ऐड करूँ किसी पॉइंट के लिए, तो सेकंड डेफिनेशन ये होगा, ए फंक्शन एफ जेड इज सेट टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट जेड इफ जेड इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सम रीजन वेयर एफ जेड इज एनालिटिक, ठीक है। अब देखिए, चूंकि एक सिंगल पॉइंट पे आप बात कर रहे हैं, पिछले बार तो आप एक रीजन पे बात कर रहे थे, तो उसमें ये ज़रूरत पड़ा नहीं, ठीक है, क्योंकि रीजन में आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो डेफिनेटली वो पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रीजन होता है जनरली वे, ये ओपन रीजन होता है, ठीक है, ओपन रीजन, तो इसमें कोई आपको मसला नहीं था। ओके, अच्छा, अब देखिए, तो अगर मैं किसी पॉइंट पे चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, तो याद रखिए कि पहला वाला जो डेफिनेशन था वो आपका रीजन बेस्ड था, ठीक है ना, फॉर रीजन आर के लिए था, ओपन रीजन भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा वाला डेफिनेशन है ये आपका क्या है, एट ए पॉइंट है, एक पॉइंट पर एनालिटिक आपको चेक करना है, तो जरूरी है कि एनालिटिक तब कहलाएगा जब जेड क्या हो, इंटीरियर पॉइंट हो ऑफ सम रीजन, यहाँ भी रीजन आपका ओपन हो सकता है, ठीक है, ओपन ही होगा जनरली, क्योंकि रीजन लिख रहा है तो ओपन रीजन होगा, ठीक है। तो जेड इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सम रीजन वेयर एफ जेड इज एनालिटिक, ठीक है। तो उस पॉइंट पे एनालिटिक तब कहेंगे जब जेड किसी रीजन का इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। मीन्स वाट, मीन्स के जेड को पॉइंट करके हम छोटा भी सर्कल बना सकते हो, यानी जेड का एप्सिलॉन नेबरहुड हम ले सकते हो जिसमें ये क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए, ठीक है। हेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन एट ए पॉइंट इम्प्लाइज दैट द फंक्शन इज एनालिटिक इन सम सर्कल विथ सेंटर एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो यही चीज़ बोल रहा है कि उसके नेबरहुड में, इसका सिंपली ये बोल सकते हैं कि एफ जेड क्या होना चाहिए, आपका एनालिटिक होना चाहिए उसके नेबरहुड में, ठीक है। यानी एफ डैश जेड एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट, ठीक है, इन एनी एप्सिलॉन एन बी डी ऑफ जेड, ठीक है, एन बी डी ऑफ जेड, या सिंपली आप लिख सकते हैं किसी भी नेबरहुड में लेंगे तो एप्सिलॉन एन बी डी भी हो ही जाएगा, या ऐसे बोल सकते हैं और एफ डैश जेड एग्जिस्ट इन नेबरहुड ऑफ जेड पॉइंट जेड, ठीक है। तो अगर इसमें ये एग्जिस्ट कर जाता है, और एग्जिस्ट करने के बाद वही होगा कि यूनिक होगा, ठीक है, किसी पॉइंट एट पॉइंट जेड पर, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपका वहाँ पे एनालिटिक कहलाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये पॉइंट पे क्लियर हो गया कि पॉइंट पर एनालिटिक का मतलब ये होगा कि वो उसके नेबरहुड में होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी नेबरहुड में जितना भी पॉइंट होगा उसके आजू बाजू, ठीक है, तो उसमें वो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जो है वो डिलेटेड नेबरहुड का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि अगर डिलेटेड नेबरहुड में अगर एनालिटिक है तो उस पॉइंट पे एनालिटिक हो जाएगा, क्योंकि डिलेटेड नेबरहुड क्या होता है, उस पॉइंट को छोड़ करके हम उसके नेबरहुड पर बात करते हैं, तो अगर उस पॉइंट के छोड़ करके सम अनदर पॉइंट पर भी वो है तो आपका काम कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आगे देखिए, इसी से रिलेटेड रिजल्ट है, यहाँ पे मेरा डेफिनेशन तो नहीं है, ये मेरा रिजल्ट है, थ्योरम एक छोटा सा होता है, ठीक है। क्या है कि एफ जेड इज़ एनालिटिक एट पॉइंट जेड, एफ जेड मेरा क्या है, जेड पे एनालिटिक है, देन डेरिवेटिव एफ डैश जेड इज़ कंटिन्यूअस एट जेड, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर एनालिटिक है तो एनालिटिक का मतलब क्या होता है, एनालिटिक का मतलब होता है कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ओके, तो ये एग्जिस्ट करेगा और यूनिक होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, कंटिन्यूअस हो जाएगा जेड पे, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखिएगा, अभी हम लोग इस पर के प्रूफ पे बात नहीं करेंगे, वो हम लोगों का जो है दूसरा प्लेलिस्ट है, ये हम लोगों का कंपटीशन वाला प्लेलिस्ट है, तो सिर्फ इसमें रिजल्ट्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए, एफ जेड इज एनालिटिक एट पॉइंट जेड, देन एफ जेड हैज़ कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर एट द पॉइंट जेड, ठीक है। तो एफ जेड का
कंटिन्यूस डेरिवेटिव होगा ऑफ ऑल ऑर्डर अगर किसी पॉइंट भी से। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि एफ डैश जेड कंटिन्यूस होगा, ठीक है ओके। यहाँ पे अब थोड़ा और इसको बढ़ा करके हम लोग बोलेंगे तो एफ डैश जेड कंटिन्यूस होगा, एफ डबल डैश जेड कंटिन्यूस होगा, ठीक है, एफ ट्रिपल डैश जेड कंटिन्यूस होगा, ठीक है, उस पॉइंट पे। तो सारे ही उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो सारे कंटिन्यूस होते चले जाएंगे, बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ओके। अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेसेसरी कंडीशन फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन टू बी एनालिटिक, ठीक है। देखिए ये नेसेसरी कंडीशन है, पहले ये बात याद रखिए, यानी ये सफिशियंट नहीं है, ठीक है, बट नेसेसरी है तो ये काफ़ी काम करेगा, बहुत यूज़फुल होगा हमारे लिए, क्योंकि हम लोग इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बहुत धड़ल्ले से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं काउची रीमान इक्वेशन, ठीक है, काउची रीमान इक्वेशन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनालिटिक फंक्शन में, इसको सी आर इक्वेशन भी कहा जाता है, ठीक है ओके। इस सबका प्रूफ वगैरह हम लोग अलग प्लेलिस्ट में करके करेंगे, ठीक है, अगर अभी नहीं किया है तो। अभी हम लोग चूँकि कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। फिर भी यहाँ पे एक शॉर्ट प्रूफ किया हुआ है, आप देख सकते हैं, बट अभी मेरा वो पर्पस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर कोई फंक्शन है आपका, ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड, अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो चूंकि x क्या होता है, z प्लस जेड बार बाई टू होता है, y z माइनस जेड बार बाई टू आयोटा होता है, इसको अगर आप पुटअप कर देंगे x और y के प्लेस में तो मेरे को जो फंक्शन मिलेगा वो z z बार में ये मिल जाएगा, ठीक है, u प्लस आयोटा वी एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नेसेसरी कंडीशन इसके एनालिटिक होने के लिए क्या है, वो ये है कि करली एफ बाई कर लीजिए, यानी जो पार्सियल ऑर्डर डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू जेड बार वो जीरो होगा, ठीक है ओके। अच्छा अब ये अगर जीरो होता है तो आप देखें जो नेसेसरी कंडीशन है, चूँकि ये नेसेसरी कंडीशन है कि इसका ये पार्सियल ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो हो जाए, तो चूँकि एफ मेरा डिपेंड करता है किस पे, ठीक है, ओनली जेड, जेड पे डिपेंड करता है ओके। तो अगर मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, ठीक है, अलग अलग करूं यहाँ से इक्वेशन वन से, तो वहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, वहाँ से हम लोगों को मिल जाता है करली यू बाई करली एक्स इज इक्वल टू करली वी बाई करली वाई, ठीक है, और करली यू बाई करली वाई इज इक्वल टू माइनस करली वी बाई करली एक्स, ठीक है। इन शॉर्ट इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि यू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वी वाई, और यहाँ पर हो जाएगा आपका वी यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव के सेंस में। तो ये जो इक्वेशन हम लोगों को मिला है, ठीक है, इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को बोलते हैं कुची रीमान इक्वेशन, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका है नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन एफ इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी टू बी एनालिटिक, ओके, क्लियर है, राइट। अच्छा देखिए फिर से मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको इसका प्रूफ देखना हो, ठीक है, तो वो उसके लिए मैं एक अलग प्लेलिस्ट दूंगा, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है, जिसमें आपको डिटेल में प्रूफ मिलेगा और शायद वो आपके लिए ज़्यादा इजी भी हो समझना, ठीक है। बट अभी हम लोग प्रूफ पे बात नहीं करना चाहते, वरना मेरा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को सिर्फ रिजल्ट पे बात करना है, ठीक है। तो ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है, ये आपको याद कर लेना है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल होना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू वाई, कंसिक्वेंटली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सी आर इक्वेशन, ठीक है ओके। तो अगर याद रखिएगा ये नेसेसरी कंडीशन है, यानी क्या, यानी अगर आपका डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड, और एफ जेड क्या है, एफ जेड है आपका यू प्लस आयोटा वी, और यू और वी दोनों जो है आपका एक्स वाई का फंक्शन है, यू भी एक्स वाई का फंक्शन है, वी भी एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है। तो ये आपका एनालिटिक होगा, एनालिटिक होगा, इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज सी आर इक्वेशन होल्ड्स, ठीक है। अच्छा लेकिन ये नेसेसरी पार्ट है, यानी इसका कन्वर्स करेक्ट नहीं है, याद रखिएगा, हम वो बात करेंगे कि अगर किसी पॉइंट पे आपको सी आर इक्वेशन करेक्ट मिल जाता है, ठीक है, तब भी वो उस पॉइंट पे कभी कभार एनालिटिक नहीं होता है, ठीक है, ऐसे भी सिचुएशंस हैं। सो ये नेसेसरी पार्ट है, ठीक है, कन्वर्स पार्ट या इसको सफिशियंट कब कहेंगे इसके लिए हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। ये तो होगी आपका कार्टेशियन फॉर्म में, अगर मैं पोलर फॉर्म में बात करूँ, ठीक है, इन पोलर फॉर्म
क्योंकि सी आर इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पोलर फॉर्म में भी याद रखिए, ठीक है। इन पोलर फॉर्म क्या होगा, पोलर फॉर्म में जब हम लोग लेंगे तो ये लेंगे आर यू आर इज इक्वल टू यू थीटा, ठीक है, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर इन टू आर इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इधर भी लेंगे ना, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ओके, एंड यू थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर भी आर, ठीक है। ये तो अगर पोलर फॉर्म में हम लोग लेंगे, जैसे मान लीजिए हम पोलर फॉर्म में भी ले सकते हैं ना, ठीक है, ये ऐसा हो सकता है कि जो W इक्वल टू एफ जेड है, ठीक है, अगर वो पोलर फॉर्म में डिफाइन होता है, यानी यू आर थीटा प्लस आयोटा भी आर थीटा, अगर ऐसे डिफाइन होता है, ठीक है, देन ये अगर अनालाइटिक होगा, इज अनालाइटिक, ठीक है, अगर अनालाइटिक होगा तो दिस इम्प्लाइज दिस वन, ठीक है, यानी जो ये सी आर इक्वेशन है इन पोलर फॉर्म वो जरूर होल्ड करेगा, ठीक है, हाँ, लेकिन वही कि कन्वर्स करेक्ट नहीं होगा, यानी किसी पॉइंट पे ये होल्ड कर जाता है तो हम वहाँ पे अनालिटिक नहीं बोल सकते, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो कह लीजिए कि जो हमारे लिए जॉयफुल चीज़ है, जो हमको यहाँ पे खूब जिसको हम इंजॉय करेंगे, वो क्या है, वो ये है कि हम लोगों ने ये देखा कि एफ जेड अगर अनालिटिक है, ये अगर अनालिटिक है तो क्या मतलब है, यहाँ से ये मतलब है कि सी आर इक्वेशन होल्ड करेगा, ठीक है, सी आर इक्वेशन होल्ड, यानी कुची रीमा इक्वेशन क्या करेगा, होल्ड करेगा, ठीक है। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या बनेगा, ये बनेगा कि अगर सी आर इक्वेशन होल्ड नहीं करता, सी आर इक्वेशन 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 नॉट होल्ड्स, अगर ये होल्ड नहीं करता तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एफ जेड इज़ नॉट अनालिटिक। अब ये देखिए, ये आपके लिए एक कहिए कि सुपर पावरफुल चीज़ आपको मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया, यहाँ पे इम्प्लाइज ही लगेगा, ठीक है, ये मिल गया कि अगर सी आर इक्वेशन होल्ड ही नहीं करता, ठीक है, मतलब ये चीज़ मेरे को नहीं मिलता है तो डेफिनेटली हम क्या बोल देंगे, एफ जेड मेरा अनालिटिक नहीं है, क्योंकि अगर अनालिटिक होता तो होल्ड तो करना ही करना था, तो अगर होल्ड नहीं कर रहा है इसका मतलब है क्या कि एफ जेड मेरा अनालिटिक नहीं है। ये जो सी आर इक्वेशन है, ठीक है, ये आपको पावर देगा और इससे आप जल्दी जल्दी चेक कर पाएंगे कि अनालिटिक फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर होगा तो सबसे पहले तो आपका सी आर इक्वेशन होल्ड करेगा, ठीक है, उसके बाद ठीक है हम लोग कुछ और भी चीज़ें वहाँ पर चेकआउट कर लेंगे, बट अगर ये होल्ड ही नहीं करता तो आपका क्या है, वो एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। हम लोग इसको भी कुछ एग्जांपल में देखेंगे, बट कुछ और रिजल्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप नोट कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी बताया ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हम लोग जो है ब्लू से इनबॉक्स कर देते हैं, ताकि ये आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, ओके। आगे देखिए, यहीं पे देखिए है नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन, नेसेसरी भी चाहिए आपको और सफिशियंट भी चाहिए, यानी दोनों तरफ से अगर आपको चाहिए कि करेक्ट हो जाए तो उसके लिए आपको फिर दो पार्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्या, द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर दिस फंक्शन टू बी एनालिटिक इज, पहला जो फोर पार्शियल डेरिवेटिव है, यानी यू एक्स यू वाई वी एक्स और वी वाई, ये सेटिस्फाई करना चाहिए कुची रीमान इक्वेशन को, जो हम लोगों ने अभी देखा कि भैया यू एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए वी वाई, और यू आई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए माइनस ऑफ वी एक्स, ठीक है, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा, द फोर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये जो चारों जो आपको पोर्शन मिल रहा है ना, यू एक्स यू वाई वी एक्स वी आई वी वाई, ये चारों क्या होना चाहिए, ये चारों आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये भी मिलता है, ठीक है, और प्लस आपको ये भी मिल जाता है कि ये कंटिन्यूस है, तब फिर आप जो है बोल सकते हो बस इसको देख करके कि भैया ये भी मिल गया और कंटिन्यूस भी है सारा डेरिवेटिव, तो इसका मतलब है ये दोनों मिलकर क्या इम्प्लाइज करेगा कि आपका एफ जेड क्या है, अनालिटिक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक और पावरफुल मिल गया, और इससे और भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्ट हमको पता चला सी आर इक्वेशन का, कि अगर सी आर इक्वेशन आपको पहले मिलता है और फिर उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स अगर कंटिन्यूस हैं तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, वो आपका अनालिटिक है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बिल्कुल आपको याद रखनी है, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। नंबर वन ये कि ये जो अनालिटिक फंक्शन है इसको हम लोग होलोमोर्फिक फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए जो कम्प्लेक्स डेरिवेटिव है, कम्प्लेक्स डेरिवेटिव को होलोमोर्फिक भी बोला जाता है, ठीक है। तो अनालिटिक फंक्शन को अनालिटिक फंक्शन ठीक है, इज़ आल्सो कॉल्ड
कॉल्ड होलोमोर्फिक फंक्शन, होलो मोर्फिक फंक्शन, ठीक है, इसको हम लोग होलोमोर्फिक फंक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बातें ये हैं, याद रखिएगा कि अगर एफ जेड इज इक्वल टू, ठीक है, यू प्लस आयोटा भी, अगर ये आपका एनालिटिक है, इज एनालिटिक, एनालिटिक, देन क्या होगा, देन जो यू और भी होगा आपका, यू एंड भी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यू एंड भी आर कॉल्ड, आर कॉल्ड हार्मोनिक कंजुगेट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हार्मोनिक कंजुगेट्स बोलेंगे, ठीक है। क्यों बोलेंगे हार्मोनिक कंजुगेट, इसलिए कि यहाँ पे ना यू और भी आपका जो है, यू और भी वो दोनों हार्मोनिक फंक्शन होगा, और चूँकि एक ही एनालिटिक फंक्शन में दोनों हार्मोनिक फंक्शन आपको मिल रहे हैं, तो इसलिए ये एक दूसरे के कंजुगेट कहलाएंगे, ठीक है, बिकॉज क्या, बिकॉज यू एंड भी आर इट्सेल्फ, इट्सेल्फ हार्मोनिक फंक्शंस, हार्मोनिक फंक्शंस, ठीक है। अच्छा देखिए, अब हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, देखिए हार्मोनिक फंक्शन उसको बोलते हैं जो लैपलास रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, दैट इज सेटिस्फाइज, सेटिस्फाइज लैपलास, लैपलास रिलेशन, ठीक है, लैपलास का रिलेशन है, लैपलास का क्या रिलेशन है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए लैपलास रिलेशन होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, फाई, कोई फंक्शन फाई ले लेते हैं, फाई ऑफ एक्स वाई, ठीक है, सेटिस्फाइज, सेटिस्फाइज लैपलास रिलेशन, लैपलास रिलेशन व्हेन, कब, जब आपका ये हो जाए डेल स्क्वायर फाई, ठीक है, ये आपका ज़ीरो हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई, डबल ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर एक्स और वाई का है तो, ठीक है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इन दोनों का जो सम है ये क्या होगा, ये आपका ज़ीरो होगा, ठीक है, तो ये लैपलास रिलेशन होता है, और अगर इसको ये सेटिस्फाई करता है तो यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं कि फाई क्या है, फाई आपका हार्मोनिक फंक्शन है, इज हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है, ओके। तो याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एफ जेड आपका एनालिटिक है तो यू और भी आपका हार्मोनिक कंजुगेट होता है, क्योंकि दोनों जो है आपको इस हार्मोनिक फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा, यानी क्या, यानी आप देखेंगे, जैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, क्या, फाई एक्स एक्स, ठीक है, प्लस फाई वाई वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में अगर लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे क्या, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आपको मिलेगा, ठीक है, इसी तरीके से भी एक्स एक्स प्लस भी वाई वाई इज इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा, और ये बिल्कुल अंडरस्टूड है, ये भी प्रूफ आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, अगर आप ये नहीं याद रखोगे तो भी आपको याद रहेगा, कैसे याद रहेगा, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, देखिए देखिए, चूँकि हम लोगों का क्या था, एफ जेड हमारा क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, अगर एनालिटिक फंक्शन है ये, ठीक है, इसका मतलब है क्या कि इट होल्ड्स, इट होल्ड्स सी आर इक्वेशन, ठीक है, ये सी आर इक्वेशन को होल्ड करेगा, ठीक है। अच्छा, सी आर इक्वेशन क्या था, सी आर इक्वेशन था, यानी आपका क्या होने वाला है, यू एक्स इज इक्वल टू होना है वी वाई, ठीक है, एंड यू वाई इज इक्वल टू होना है माइनस वी एक्स, ठीक है। अभी देखिए, ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, अगर मैं इसको एक बार और पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका यू एक्स एक्स, ठीक है, और इधर आपका आ जाएगा वी वाई एक्स, ठीक है, और इधर मैं करूं अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा वी वाई वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स एक्स, ठीक है। अब इन दोनों को अगर, सॉरी, वी एक्स वाई, ओके, वी एक्स वाई, ओके। अच्छा, अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, तो ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई, ये आप देखेंगे ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वी वाई एक्स और माइनस वी एक्स वाई, ठीक है, और ये दोनों क्या होता है, सेम होता है पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, हम लोगों ने देखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो ये इसको सेटिस्फाई कर गया। इसी तरीके से अगर मैं देखूँ वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई, ठीक है, ये भी, तो वी एक्स एक्स मेरे को कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, तो ये वैल्यू आपको आ जाएगा माइनस यू वाई एक्स, ठीक है, जबकि अगर मैं वी वाई वाई चाहूँ तो वो यहाँ से मिलेगा, तो ये मेरे को आ जाएगा प्लस यू एक्स वाई। अब ये देखिए, ये दोनों फिर से अगेन दोनों सेम है, तो ये भी आपको जीरो हो गया, ठीक है, तो आप
चूँकि एनालिटिक फंक्शन है तो आपके पास में सी आर इक्वेशन होल्ड कर रहा है, और सी आर इक्वेशन अगर होल्ड कर रहा है तो वो फिर क्या चला जाएगा, वो होल्ड करा देगा आपको लैपलास इक्वेशन को, ठीक है। लैपलास इक्वेशन से ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये दोनों क्या है, ये दोनों हार्मोनिक फंक्शन है, इसलिए इन दोनों को आपस में हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोनिक कंजुगेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ओके ओके, तो इसके बाद जो हम लोगों का लेक्चर होगा उसमें हम लोग फिर एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि कौन सा फंक्शन एनालिटिक होगा, कौन एनालिटिक नहीं होगा, डिफ्रेंशिएबिलिटी और एनालिटिक में क्या कॉन्ट्रास्ट है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो आगे फिर बहुत कुछ है, CSIR नेट गेट एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चूँकि आपको डेली बेसिस पे कंटेंट इसमें मिलने वाला है, और डेफिनेटली आपको ये सारे कंटेंट्स आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आपके गोल तक पहुँचा देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।